नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट और मैं हूं आपका साथी मोहम्मद शोएब। हम लोग विद्यालय में विद्यालयों को जो है देखते हुए बच्चों को कहां तक पढ़ाया लिखा जा रहा है उसकी खोज करते करते आज हम लोग पहुंचाए हैं। ये स्कूल है पूर्व माध्यमिक विद्यालय पीपल गांव विकासखंड कौढ़िहार प्रयागराज में आ गए हैं। और चलिए देखते हैं कि यहाँ के बच्चे क्या पढ़े हैं अब तक और मैम वगैरह ने क्या पढ़ाया बच्चों को। आइए हमारे साथ। ये 6, 7, ये 8 है। सबसे पहले इसमें देखते हैं 8 में। गुड मॉर्निंग कहाँ है, गुड आफ्टरनून टाइम हो गया बच्चों, बैठ जाइए आप लोग। तो क्या सब्जेक्ट चल रहा है? भूगोल। इस समय हम लोग 8 क्लास में आ गए हैं और मैम बच्चों से भूगोल। चलिए ठीक है, बैठ जाइए आप लोग, सब लोग बैठ जाइए आराम से। चलिए ठीक है, भूगोल। तो भूगोल के बारे में किससे पूछा जाए, कौन बढ़िया जवाब देगा? आप बताएं, आप खड़े हो जाइए बेटा, आप बताएं आपका नाम क्या है? मुस्कान। 8 क्लास में है, भूगोल पढ़ाती है मैम। क्या नाम है मैम का? बबीता। तो अच्छा पढ़ाती हैं, कोई दिक्कत नहीं? ऐसा कोई टॉपिक जो समझ में आता हो आप पूछते भी हो आप? नहीं। हाँ, डांटती तो नहीं पूछने पे? नहीं। चलिए, आपका नाम क्या है बेटा, खड़ी हो जाओ जरा बता दो। मोहिनी प्रजापति। चलिए ठीक है, तो भूगोल आपको समझ में आता है? यस सर। पृथ्वी गोली है? यस। की नारंगी समान है? नहीं, गोली है। हाँ। नहीं, तब नहीं पता आप लोगों को। और कौन बताएगा? आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरखा सिंह चौहान है जी। और मैं पृथ्वी कैसी है, गोली है कि नारंगी समान है, कैसी? गोली है। बिल्कुल गोली है। यस। अच्छा, फुटबॉल के तरीके से? चले बच्चों से पूछते हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित, किस क्लास में हो? 8 में। 8। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन है आपका, फेवरेट सब्जेक्ट? भूगोल। भूगोल, तो बताइए भूगोल में पृथ्वी गोली है कि कैसी है? गोली। बिल्कुल गोली है जी। अच्छा, पृथ्वी स्थिर है कि परिक्रमा करती है? परिक्रमा करती है। किसकी? सूर्य की। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, बहुत अच्छा जवाब है इनका। ये तो बच्चा बहुत छोटा दिख रहा है। क्या नाम है बेटा, खड़े हो जाओ जरा। क्या नाम है आपका? राज। राज नाम है आपका, तो आप 8 में हो। अच्छा, तो पढ़ने में काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हो हमें ना, हंसिए मत आप लोग। बेटा आपको अच्छा क्या लगता है पढ़ने में? पढ़ाई। पढ़ाई अच्छा लगता है। तो जैसे आप इस समय आपका भूगोल का टॉपिक चल रहा है, तो आप ये बताइए भूगोल में, आप ये बताइए, आप यहाँ प्रयागराज में हैं, एक जो है यहाँ पे एक रेखा गुजरती है जैसे IMT हम लोग कहते हैं, है ना मैम? IMT यही है ना, जैसे समय का निर्धारण होता है, वो कहाँ से गुजरती है मालूम है आपको? नहीं पता है? किसको पता है जो IMT जो रेखा गुजरती है जैसे टाइम का निर्धारण होता है, वो रेखा कहाँ से गुजरती है, किसी को पता है? किसी बच्चे को नहीं पता है। चलो अच्छा बताइए, देशांतर और अक्षांश रेखा क्या होती है? किसको बताइए? अच्छा, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं सर। नहीं, वो तो है ही, देशांतर रेखा जो बता रहे हो आप, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ये उसकी बात कर रही हैं आप ना। मैं पूछ रहा हूँ एक जो है जहाँ से IMT, जहाँ से प्रयागराज या कह सकते हैं यहाँ का समय का निर्धारण होता है, वो रेखा कहाँ से गुजरती है? नहीं पता है? नहीं पता। अच्छा, देशांतर रेखा और जो भूमध्य रेखा है उसमें अंतर क्या है? वो सूर्य के निकट से जाती है सर। आसान सा बताओ ना, बिल्कुल आसान सा, आपको पता है बेटा? ज़्यादा हैवी क्वेश्चन हो गया क्या? किसको पता है? अच्छा बेटा आप बताओ, पढ़ने का टाइम कहाँ है, आप जवाब देने का टाइम है, आप ये बताइए। अच्छा आप ये बताओ, आपका भूगोल का पहला चैप्टर का नाम क्या है? संसार। क्या संसार? संसाधन के पूरा। संसाधन। अच्छा, ये वही किताब है जी? हाँ, ज्ञान भी है। अच्छा चलिए, अच्छा बात, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा ठीक, चलिए ये 8 के बच्चे हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने 26 जनवरी मनाया? Yes, मिठाई वगैरह बटी थी? Yes, क्या खाना पीना यहाँ भी मिलता है? Yes, खाना पीना खा चुके आप लोग? अभी नहीं। अभी नहीं, कब खाएंगे? तो हम भी खाएं आप सब साथ। चलिए ठीक है, चलिए किसी और क्लास में देखते हैं। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ये 6 क्लास में है, ये 6वीं क्लास है। गुड आफ्टरनून, आप सब बैठ जाइए आराम से। टाइम बेटा,
यू वेलकम, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए मैडम। और हम सब आप भी बैठे हैं, यहाँ की प्रिंसिपल मैम है। मैम अपना नाम बताइए। सरिता मिश्रा। सबसे पहले आपको बधाई कि आपके बच्चों को नॉलेज जो है, जितना आप लोग पढ़ाती हैं बच्चों को, बच्चे उसे कंठस्थ कर लेते हैं या कह सकते हैं उसे आत्मसात कर ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप बिल्कुल बहुत हम लोग का मतलब बहुत मेहनत करते हैं। ये हम लोग का वो है कि इतने स्कूल होते हुए भी कॉर्डिनेट हमारा स्कूल इतना अच्छा चल रहा है, इस बात की बहुत खुशी है। समय से स्कूल खुलता है, उपस्थिति भी अच्छी रहती है, बच्चे भी सब अच्छे हैं, तो इससे जो है भाई खुशी मिलती है कि हाँ हमारे यहाँ सारी सुविधाएं बच्चों को जो भी तालिका वो तालिका कहाँ है मैम, जो खाना वाली जो होती है तालिका, क्या कहते हैं उसे, वो मिड डे मील तालिका वगैरह है, तो जैसे मीनू चाट है उसी तरीके से खाना वगैरह देता है, फल दूध सब कुछ यहाँ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो हमारे साथ जो है फर्नीचर वगैरह बच्चों को थोड़ा मेंटेन और होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारा स्कूल इतना अच्छा चल रहा है तो थोड़ा मेंटेन होना चाहिए। 8 में तो फर्नीचर की व्यवस्था है, लेकिन ये 6 में और 7 में तो फर्नीचर है ही नहीं, तो इस पे जरूर गवर्नमेंट को जो है देखना चाहिए, साफ सफाई थोड़ा सा जो है, पानी वगैरह भरा है इसका ख्याल रखिए। सर यहाँ पे कई बार हम टोटी लगवाए, गाँव के बच्चे सब तोड़ ले जा रहे हैं, बड़ी पानी की व्यवस्था कैसे थोड़ा देख लेते हैं तो स्कूल में, क्योंकि आमतौर पर प्राइमरी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में देखा गया कि पानी की व्यवस्था जो है सही नहीं रहती, बच्चों को दूषित पानी मिलता है। कहाँ है पानी, पानी की व्यवस्था किधर है? प्रोसेस में चल रहा है, ये नल लगा हुआ यही है, अभी यहीं पे है, अभी जो है हाँ। सेक्रेटरी को जाने दीजिए, उनको जो है वो है हाँ। इधर मिड डे मील हो रहा है, इधर मिड डे मील कार्यक्रम, ये किचन हमारा चला गया रोड में, हॉल रोड में चला गया। ये देखिए खाने की व्यवस्था हो रही है। मैम आप लोग भी खाती हैं खाना यहाँ पे, बच्चों के साथ खाती होंगी ना? चलिए अच्छा है, तो काफ़ी साफ सफाई से ये लोग कार्य कर रही हैं। आमतौर पे प्राइमरी स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधा देखने को मिलती नहीं है। देखिए एक तावे पे चार चार रोटियां सेकी जा रही है एक साथ, और काफ़ी अच्छे से, जिसको देसी रोटी खाना हो यहाँ अगर खा सकता है वो, उसको हम इन्वाइट करते हैं स्कूल में आ करके। हमने कई स्कूलों का दौरा किया, लेकिन यहाँ पर हमें लगभग सारी चीज़ें सब कुछ सही दिखने को मिली यहाँ पर।